नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। न्यूज हिंद में आपका स्वागत है। आज की कुछ मुख्य समाचार। पंडित सुनील भराला ने कहा, श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के नाम होंगे महापुरुषों के नाम पर। देखिए ये रिपोर्ट। आज माननीय श्री सुनील भराला जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के कानपुर पहुंचने पर नमो संगठन राष्ट्रीय परशुराम परिषद नमामि गंगे झुग्गी झोपड़ी के भाजपा कार्यकर्ता ने कानपुर प्रवेश करने पर राजम पुल भाटिया होटल पंडित उपवन माल रोड नवीन मार्केट श्रम आयुक्त कार्यालय गोल चौराहा अनावरगंज स्टेशन भीमनगर बस्ती संजय नगर बस्ती सर्किट हाउस में उत्साही कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान माननीय भराला जी ने भीमनगर बस्ती और कंचन बस्ती के ढकना पुरवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भाजपा कमल ज्योति के अंतर्गत दोनों बस्तियों में भाजपा कानपुर जिला अध्यक्ष अनीता गुप्ता जी के साथ दीप प्रज्वलित किया। कानपुर में श्रम कल्याण परिषद के मंडलीय बैठक में माननीय अध्यक्ष जी ने पूर्व के कार्यों की समीक्षा की और कहा कि हम श्रम कल्याण परिषद के द्वारा चलाई जा रही 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम बदला जाएगा। 1, कार्यकर्ता श्रमिक परिवारों के बच्चों को जो प्रावधिक शिक्षा या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसका नाम APJ अब्दुल कलाम योजना रखा जाएगा। 2, कार्यकर्ता श्रमिक के मेधावी बच्चों को पुरस्कार दिए जाने वाली योजना का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी योजना रखा जाएगा। 3, मृतक श्रमिकों की विधवा और आश्रितों को दी जाने वाली सहायता का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर होगा। 4, औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की बेटियों के विवाह में कन्यादान संबंधी योजना का नाम ज्योतिबा फूले और राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम पर रखा जाएगा। 5, मृतक श्रमिकों को अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजना का नाम दंतोपन ठेंगड़ी जी के नाम पर रखा जाएगा। संविदा पर कार्य करने वाले श्रमिकों के हित को देखते हुए उनको भी श्रम कल्याण परिषद से जोड़ने का निर्णय लिया गया। 17,000 से अधिक उद्योग 5.5 लाख व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि को GST से निकालकर उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा जिससे उनके माध्यम से श्रमिकों को लाभ होगा। श्री भराला ने निर्देश देते हुए कहा कि जिलेवार जो श्रमिकों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं इसे परिषद के श्रमिकों की अच्छी सोच नहीं दिखती। सभी माध्यमों से ऑनलाइन पत्राचार जगह जगह कैंप लगाकर श्रमिकों को जोड़ा जाए जिससे उन्होंने अपना अधिकार मिल सके। सभी अधिकारी और कर्मचारी सचेत हो जाए अपने काम के प्रति गंभीर भी। इस दौरान सदस्य श्री अजीत जैन श्री शिव शंकर सैनी फैसल आफ्ताब लेबर कमिश्नर सियाराम वर्मा आदि उपस्थित रहे। चेहरे पर खून और पाकिस्तान की कस्टडी में फिर भी दृढ़ नजर आए एयरफोर्स पायलट अभिनंदन। देखिए ये रिपोर्ट। क्रैश हुए मिग के विंग कमांडर अभिनंदन के LOC पार पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा उनसे खूब बदसलूकी और मारपीट की गई। इसके बाद पाक सेना की तरफ से जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हुए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। अभिनंदन का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे 3 वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे विंग कमांडर अभिनंदन कस्टडी में भी बेहद दृढ़ता और शांति के साथ संतुलन बनाए हुए थे। एक वीडियो में नजर आ रहा है कि एक ऑफिस रूम है, उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, साथ ही उनके चेहरे पर खून लगा हुआ है। इस वीडियो में विंग कमांडर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नाम और सर्विस नंबर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। LOC पर पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन किया युद्ध विराम उल्लंघन। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की कार्यवाही के बाद से सीमा पार से युद्ध विराम का उल्लंघन जारी है। गुरुवार की सुबह पूंछ के जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान की तरफ से लगातार 7वें दिन सीज फायर का उल्लंघन हुआ जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। गुरुवार की सुबह 6 बजे से ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी जिसका भारतीय सेना की तरफ से जोरदार जवाब दिया गया। प्राइवेट पार्ट्स में लाखों रुपए छुपा कर जा रहे थे हांगकांग, बाप बेटा अरेस्ट। देखिए ये रिपोर्ट। IGI एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 68 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ बाप बेटे को गिरफ्तार किया। ये दोनों मुंबई से दिल्ली होते हुए हांगकांग जा रहे थे। इनपुट के आधार पर इन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के अंदर से ही पकड़ा गया। करीब 30 लाख रुपए की करेंसी इन्होंने अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में छुपा रखी थी। हालांकि कस्टम को इस बात पर भी हैरानी है और ये करेंसी मुंबई एयरपोर्ट पर कैसे नहीं पकड़ी गई। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट से चढ़े थे। ATM से फिंगरप्रिंट से निकाल लेता था रुपए, ट्रांजैक्शन दिखाता था फेल, पकड़ा गया। देखिए ये रिपोर्ट।
ये किसी का सपना होगा कि वह अपने बैंक खाते से डेबिट किए बिना एटीएम से जितनी चाहे उतनी नकदी निकाल सके। गुजरात के एक व्यक्ति ने आखिरकार अपने इस तरह के सपने को पूरा करने के लिए बैंक से 1.54 लाख रुपए का चूना लगा दिया। वह अपने फिंगरप्रिंट का यूज करके एटीएम से रुपए निकाल लेता था, जिसका रिकॉर्ड उसके अकाउंट में दर्ज नहीं होता था। हालांकि बैंक ने उसकी ये चाल पकड़ ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मेरे यानी अंजलि के साथ देखते रहिए न्यूज़ हिंद। धन्यवाद।